उदयपुर में आज वन विभाग और पुलिस टीम ने एक तेंदुए को मार गिराया। गौरतलब है कि आदमखोर तेंदुए ने यहां पर 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था। डीएफओ अजय चित्तोड़ा ने बताया कि मारा गया तेंदुआ आदमखोर है, इसकी जांच की जा रही है। एक बाइसा की डेथ हुई थी जो जिनकी लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी, तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की दो एक के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी, और फिर एक और रास्ता हमने देखा उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजीएफ भी लगाए और 1-8 टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो है पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर जो पहली टुकड़ी थी उसके अंदर उन्होंने फायर किया कुछ फायर, अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ। ऐसे हमारे को बड़ी सफलता मिली है कि 9 लोगों पर जिस आदमखोर पैंथर ने अटैक किया था आज उसको अंतर्गतवा मौत के घाट उतार दिया गया है। इसमें अभी मैंने भी वहाँ पर मौके पे जाकर देखा है, जिस हिसाब से जो पूर्व में जो हमारे 1 महीने से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें हमारे CCTV फोटेज भी आए थे, उस फोटेज को देखे और इस पैंथर के को देखे तो उसमें जो मिलान हो रहा है उसमें भी लगभग लगभग सेम हो रहा है। उसके अलावा कल जिस पर महिला पर अटैक किया था उसमें उसके ऊपर जो बाल थे उन बालों को और इन बालों की भी हम जांच करवा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो आदमखोर पैंथर यही है, उसके बाद ही कुछ के स्पष्ट कह पाना ठीक रहेगा। ये जो पैंथर जो मारा गया है क्या मालूम आदमखोर है या नहीं, इसकी स्पष्टि अभी नहीं हुई है। और ग्रामीण में कहने का मतलब यह कह रहे हैं कि हम सब जो भी प्रशासन आया हुआ है तो कह रहे हैं कि उसकी जांच कर रहे हैं, मगर हमारे को ये मालूम है कि अगर वो होता तो इतना झट पकड़ में नहीं आता। और गांव वाले वैसे पूरे जंगल में घूम रहे हैं, कम से कम 2-3 हज़ार लोग अभी भी हर गाँव के लोग हैं, और हमारा यही प्रशासन से यही मांग है कि अगर वही है तो इसकी पुष्टि की जाए। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन और ऑडियो संदेश ही प्रसारित कर सकेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस संबंध में मोबाइल कंपनियों को निर्देश भी दिए हैं। नवीन महाजन ने जयपुर में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी ऑपरेटर्स को आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करने के निर्देश भी दिए।